हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा है जो SBI के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं और उनका अकाउंट से वो लोग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस SBI से करवा के रखा है, लेकिन उनके पास SBI जनरल के तरफ से किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है जो बाय पोस्ट आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आया इंश्योरेंस का और आप इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SBI का जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है उसका सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस का जो साइट है उसमें आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट का एड्रेस है sbigeneral.in, इसमें आना है। और आने के बाद यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक 3 डॉट देखने को मिलता है यहाँ पे, उस 3 डॉट में आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक लिंक्स, तो सिंपली आपको जो क्विक लिंक्स है उसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड पॉलिसी, तो सिंपली आपको डाउनलोड पॉलिसी में यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको देखने को मिलता है डाउनलोड पॉलिसी, तो सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें जो भी पॉलिसी है स्टेट बैंक की तरफ से आता है वो सारा पॉलिसी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट से आपका प्रीमियम डेबिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपका अमाउंट 2-3 दिन पहले डेबिट हुआ है तो आपको यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ये अमाउंट जो है 15 डेज पहले डेबिट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 दिन या 3 दिन पहले डेबिट हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद ही इस ऑप्शन में आप आपका जो पॉलिसी है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और इसमें यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड डालना है। और ये जो लिंक है सर्टिफिकेट डाउनलोड का साइट का लिंक, इसको मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उसमें से जा सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज आपको भर देना है, और भरने के बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे तीनों चीज भर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सारा डिटेल। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन में मैं क्लिक करूंगा, और जैसे आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर देखने को मिलता है, यहाँ पे अकाउंट नंबर देखने को मिलता है, स्टार्ट डेट देखने को मिलता है, पॉलिसी एंड डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे आपको जिसका नाम पे इंश्योरेंस है उसका नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलेगा, और इसमें आपको रजिस्टर मेल देखने को मिलता है, और नीचे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है बैंक के साथ वो देखने को मिलता है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी में क्लिक कर देना है, नीचे जो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पॉलिसी है वो इस तरह से डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा, और काफी अच्छा सा दिखने वाला एक सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाता है। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसमें सिग्नेचर कराने का कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते यहाँ पे पहले से सिग्नेचर किया हुआ है जनरल इंश्योरेंस के तरफ से, तो बहुत अच्छा फीचर है, कोई भी इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया लाइव कैसे आप SBI जनरल का जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसका डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आपका मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।